जिला बस्तर के विकास खंड तोकापाल के ग्राम पंचायत एरलाकुट के ग्राम भेजरी पदर के पारा बताबोड़ा में आंगनबाड़ी केंद्र नियमित नहीं खुलने व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के महीने में 2-3 बार आने की वजह से केंद्र का हाल बुरा हाल है, जिससे कि बच्चों को गर्म भोजन एवं रेडी टू ईट नहीं मिलती। सहायिका के द्वारा कभी कभार खोल कर वहाँ बच्चों को बुलाकर दे दिया जाता है, जिससे कि अधिकांश बच्चे कुपोषित है। यहाँ पर महिला बाल विकास परियोजना विभाग के द्वारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ वही आंगनबाड़ी भी नहीं आती है और पढ़ाती भी नहीं है। कितने बच्चे होंगे आंगनबाड़ी में? इसमें बहुत जाने सर, कम से कम 80 तक है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं आती? नहीं आती। तो बच्चे लोगों को फिर भोजन वगैरह कौन देते हैं? फिर यही सहायिका देती है। इसके लिए है पंचायत वगैरह में बताए थे? बता के देखते हैं, लेकिन उधर से नहीं मिल रहा है तो हम लोग कहाँ से खिलाएंगे बोल रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती नहीं है? और कितना महीना हो गया वो आता है? लेकिन वही हफ्ता में, दो हफ्ता में मतलब आता है। बच्चे लोग अभी तक अनार काम नहीं बोलना सीखा। सबसे बड़ी समस्या है, अब सामान नहीं है तो क्या करेंगे। कभी कभी देखता हूँ तो खाना बनाने के बर्तन भी नहीं है, बोलती है वो सहायिका। इस आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महीने में 1-2 बार आती है और वहाँ की सहायिका भी महीने 3-4 बार आंगनबाड़ी केंद्र को खोलकर वहाँ के आसपास के बच्चों को बुलाकर भोजन दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर अधिकांश बच्चे कुपोषित एवं बीमार हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, किंतु महिला बाल विकास विभाग के द्वारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस विकासखंड के परियोजना अधिकारी श्रीमती एस राम टेके, जिसका मोबाइल नंबर है 999-329-2569, पर दबाव बनाकर आंगनबाड़ी को नियमित खोलने एवं आंगनबाड़ी की उपस्थिति में देखरेख किया जाए। मैं हूँ रामजग गौड़, जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।